आज नो आपनो लेक्चर छे स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 3 गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। तो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर जो आपके एग्जाम बुक में एग्जांपल के मिस के फॉर्म में दिया हुआ है वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो स्टैंडर्ड 11 गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर तो क्या है? गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर तो पहले थ्योरी समझते हैं, पहले थ्योरी समझते हैं फिर बाद में लॉ पे आपको ले जाता हूं। पहले एक बिल्डिंग पे कोई इंसान खड़ा हुआ है, क्या एक बिल्डिंग है उस पे कोई इंसान है खड़ा हुआ है। जब ये इंसान यहां से नीचे कोई इंसान यहां पे खड़ा हुआ है तो यहां से कोई बॉल डाउनवर्ड थ्रो करेगा, क्या डाउनवर्ड थ्रो करेगा तब टी इक्वल टू टाइम लेते जीरो लेते कितना लेते टाइम जीरो लेते फिर t इक्वल टू वन टाइम लेते हैं फिर p इक्वल टू टू टाइम लेते हैं t इक्वल टू थ्री टाइम लेते हैं। ओके तब मीन्स जब कोई इंसान यहां से t इक्वल टू जीरो टाइम पे कोई बॉल डाउनवर्ड थ्रो करता है जब उसके एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए यूनिफॉर्म कैसा होना चाहिए यूनिफॉर्म कंडीशन क्या है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। ओके फिर इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए और तो टाइम इंटरवल है वो कैसा होना चाहिए टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए वही होना चाहिए। यहाँ पे वन सेकंड का यहाँ पे वन सेकंड का टाइम इंटरवल है यहाँ पे भी वन सेकंड का टाइम इंटरवल है यहाँ पे भी क्या है वन सेकंड का भी वन सेकंड का ही टाइम इंटरवल है क्या है वन सेकंड का ही टाइम इंटरवल है। तब जब यहाँ से हम कोई बॉल थ्रो करते हैं तो गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जब टाइम इंटरवल सेम हो क्या हो टाइम इंटरवल सेम हो मोशन कैसा हो यूनिफॉर्म हो तब जब h1 हाइट है h2 हाइट है और h3 हाइट है तो ये सभी हाइट का जो हम रेशियो लेते हैं क्या लेते हैं रेशियो तो h1 जेम h2 जेम और h3 जेम तो उसका जो रेशियो आता है वो ओड नंबर में आता है। कैसा आता है ओड नंबर में रेशियो मिलता है किसी नंबर में मिलता है ओड नंबर में रेशियो मिलता है। तो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या है कि सिंपल है यहां से हमने कोई बॉल डाउनवर्ड थ्रो किया कैसे किया डाउनवर्ड हमने क्या किया थ्रो किया तो जब हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंडर हम कोई बॉल मींस क्या हम छोड़ेंगे तो क्या होगा कि एक्सेलरेशन क्या होगा यूनिफॉर्म होगा। ओके तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हुआ फिर सेकंड कंडीशन क्या हुई यहां से हमने छोड़ा तो किस में से छोड़ा रेस्ट में से छोड़ा ना क्या था रेस्ट था रेस्ट में से हमने पहले क्या था रेस्ट में था तो रेस्ट में से छोड़ा तो हमारा क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इक्वल टू जीरो हो जाएगी क्या हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो। ओके इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो फिर t is equal to 0 time, t is equal to 1 time, t is equal to 2 time and t is equal to 3 time. मिस्टर सेम इंटरवल होगा क्या होगा सेम इंटरवल होगा सभी टाइम के बीच का इंटरवल कितना होगा सेम होगा तब हम जो हाइट का रेशियो देखेंगे t1 और t2 मिस्टर t1 टाइम और t इज इक्वल टू 0 टाइम के बीच में t1 एंड t2 टाइम के बीच में और t2 और t3 टाइम के बीच में जो हमारा जो रेशियो होगा तो हाइट का जो रेशियो होगा h1 h2 h3 वो कैसा किस में होगा ऑड नंबर में होगा किस में होगा ऑड नंबर में होगा। और इसके साथ देखो मींस के
जो भी ऐड करें इसमें मिलेगा, मतलब इसमें मिलेगा ऑड नंबर पे मिलेगा। तो न्यूटन सॉरी गैलन का लॉ ऑड नंबर यही बोलता है कि जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो और इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, किसी हो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो एंड टाइम इंटरवल सेम हो, कैसा हो टाइम इंटरवल जब सेम हो, तब जो हाइट का रेशियो है वो सेम टाइम इंटरवल में, क्या सेम टाइम इंटरवल में जो हाइट का रेशियो है इसमें सेम टाइम इंटरवल में, कैसा सेम टाइम सेम टाइम इंटरवल में जो हाइट का रेशियो हो कैसा आता है ओड नंबर में आता है, कैसा आता है ओड नंबर में। यहां से देखो ओड नंबर में इसके 1, 3, 1 जब 1, 3 जब और 5 जब नहीं आता, पर सिंपल क्या है मतलब इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ हम 3 रुपए भी इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद फिर 2 मल्टीप्लाई करें तो एच वन क्या हो जाएगा 2 जेम 6 जेम मीन्स क्या हो जाएगा 10। तो मीन्स हम जो देखते हैं तो यहाँ से क्या निकलेगा, यानी 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा जो रेशियो आएगा 1 जेम 3 जेम 5 आएगा, इसके देखो 6/2 लेंगे तो मतलब क्या आएगा 3 1 मतलब 1 जेम 3 होगा तो 3 जेम 1। ओके तो सिंपल है जो हाइट का रेशियो कैसा आएगा, रेशियो लेना है, क्या लेना है रेशियो, हाइट नहीं क्या बोला रेशियो बोला। यहाँ पे देखो यहाँ क्या तुमको 3 मीटर बोली, यहाँ क्या तुमको क्या मिल जाएगी क्या तुमको 3 मीटर बोली है तो यहाँ क्या क्या हो जाएगी 9 मीटर हो जाएगी, और यहाँ क्या जैसे 9 × 3 तो कितना आया 27। इसके जो हाइट का रेशियो कैसा आएगा ओड नंबर में आएगा, रेशियो ओड नंबर में आएगा, हाइट हाइट का रेशियो बोला, क्या बोला है रेशियो बोला, क्या बोला है रेशियो, हाइट का जो रेशियो है वो ओड नंबर में मिलता है, क्या मिलता है रेशियो ओड नंबर में मिलता है। हाइट वाली जो है वो तो हमको मीटर में मिलेगी, इसके जो देखो 3 हम इसके 3 मल्टीप्लाई करें तो 3 से इसके हमारी एच वन हाइट 3 है तो एच टू हाइट हमारी क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी और एच थ्री हाइट हमारी क्या हो जाएगी 27 हो जाएगी, समझ रहे हो। ओके अब देखो इन तीनों में से 3 कॉमन निकाले उसके एच वन जेम एच टू जेम एंड तो 3, 9 एंड 27। ओके इसमें हम 3 कॉमन निकाल ले तो क्या आ जाएगा 1 जेम 3 जेम। ओके और सॉरी 1 जेम 3 जेम एंड 3 × 5 क्या होगा 15। ओके क्या क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके सिंपल है क्या आ जाएगा 15 तो क्या जो हाइट का रेशियो क्या आएगा 1 जेम 3 जेम 5 आएगा। ओके यहाँ पे भी 1 सेकंड का इंटरवल है, यहाँ पे भी 1 सेकंड का इंटरवल है, यहाँ पे क्या 1 सेकंड का इंटरवल है। ओके जब और कैसा एक्सेलरेशन लगना चाहिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगना चाहिए, कैसा एक्सेलरेशन लगना चाहिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगता है तो सेम इंटरवल टाइम सेम टाइम इंटरवल होता है तब जो हाइट का जो रेशियो है h1 h2 h3 हाइट का जो रेशियो इसमें मिलता है ओड नंबर में मिलता है, इसमें मिलता है ओड नंबर में 1 जेम 3 जेम 5 जेम 7 जेम 9 जेम 11 जेम। तो कंटिन्यू ओके इसे हमें क्या मिलता है ओड नंबर में मिलता है और किसके लिए कंडीशन क्या है टाइम इंटरवल कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए जीरो होना चाहिए, इसके पार्टिकल पहले रेस्ट पे होना चाहिए फिर जब हम छोड़े तब उसके वो इसके मोशन में आना चाहिए, फिर जब पार्टिकल रेस्ट में होगा तब इनिशियल वेलोसिटी क्या मिल जाएगी जीरो मिल जाएगी, और एक्सेलरेशन कैसा होता है यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब देखो एक गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर ओनली
इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए नहीं वैलिड है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ओनली वैलिड है? नहीं है। ए दो हम एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के लिए भी हम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? वर्टिकल जो फोर्स लगते हैं उसके भी लिए हम ले सकते हैं, मीन्स के एक्स डायरेक्शन में लगने वाले एक्सेलरेशन के लिए भी ले सकते हैं। मीन्स की गैलीलियो लॉ ऑफ मोड नंबर ऑल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या है? वैलिड है क्या? सभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो उसके लिए वैलिड है। ऐसा ही नहीं है कि ओनली ग्रेविटेशनल जो मिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसके लिए गैलीलियो और नंबर वैलिड है, वो सबके लिए स्टैंड करता है। मिस ऑल यूनिफॉर्म जो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है, जहां भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है वहां में लो हम यूज कर सकते हैं। ओके, इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि ओनली और ओनली क्या बोलते हैं कि जो हमारा क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसमें वैलिड है, ऐसा जरूरी इसके ऐसा नहीं है। सभी जगह पे आप वाई डायरेक्शन में भी ले सकते हो, लेफ्ट डायरेक्शन में भी ले सकते हो, कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हो। क्या होना चाहिए? टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। और थर्ड की जो हमारा इनिशियल टाइम है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जीरो। अब देखते हो उसका प्रूफ देखते हैं। ओके, अब इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे वो आता है। हम सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। देखो अब हम यहाँ पे टाइम को क्या लेते हैं? टो लेते हैं। क्या लेते हैं? टाइम को यहाँ पे टो लेते हैं। क्या लेते हैं? टाइम को लेते हैं टो। टो का मीनिंग क्या होगा? कोई एनी टाइम। क्या टो का मीनिंग क्या होगा? कोई एनी टाइम। ओके, क्या लेते हैं? टाइम को क्या लेते हैं? टो लेते हैं। टो का मीनिंग क्या होगा? कोई एनी टाइम को। ओके, तो हम आपकी बुक में जो टो लिया है उसी तरह सोच सकते हैं। टो का मीनिंग हुआ कोई एनी टाइम के लिए। ओके, तब देखो ये बयान से हमने कोई बिल्डिंग ली। ओके, यहां से हमने बॉल गिरा है। क्या हुआ है? बॉल यहां से हमने गिरा है। जब हम बॉल गिरा जाए तो बॉल की डायरेक्शन में आएगा नेगेटिव वाई में। तब टो इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो। ओके, फिर टो इज इक्वल टू क्या लगे? वन लगे। सॉरी, टाइम इज इक्वल टू क्या लगे? सॉरी, टाइम इज इक्वल टू क्या लगे? जीरो लगे। फिर टाइम इज इक्वल टू क्या लगे? वन को लगे। ओके, टाइम इज इक्वल सॉरी टाइम इज इक्वल टू क्या लगे? हम टू को लगे। ओके, फिर टाइम इज इक्वल टू क्या लगे? थ्री को। ओके, जब हमारा टाइम कैसा हो? टी इजिकल टू जीरो, टी इजिकल टू सेवन, टी इजिकल टू टू टो, टी इजिकल टू थ्री टी थ्री टो, तो तब जो हमारा इसके जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डिस्प्लेसमेंट या फिर इसकी डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ओके, तो हमारा जो एच वन है क्या हमारा होगा? एच वन होगा। फिर हमारे यहां से क्या हो जाएगा? एच टू हो जाएगा। और यहां से यहां जो होगा हमारे क्या हो जाएगा? एच थ्री होगा। क्या होगा? एच थ्री। समझ रहे हो? ये हमारा क्या होगा? एच वन होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? एच टू हो जाएगा। और ये हमारा जो है एच थ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच थ्री। और आगे हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एच फोर। यहाँ से हमारा बॉल फिनिश हो रहा है और यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एच फोर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? पहले फाइंड एच वन, एच टू, एच थ्री और एच फोर। ओके, तो पहले सिंपल समझ लेते हैं फॉर्मूला में से क्या है हमारा डिस्टेंस है। क्या है डिस्टेंस? क्या है हमारा डिस्टेंस है? देखो ए इसके एच वन हाइट होगी तो इसकी क्या होगा? उसने टो इज टी इज इक्वल टू टो, मतलब इसे टी इज इक्वल टू टो सेकंड में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया। टी इज इक्वल टू टो टू टो टू टो में इतना डिस्टेंस कवर किया। टी इज इक्वल टू टो टी इज इक्वल टू थ्री टो टो में इतना डिस्टेंस कवर किया। ओके, और ये देखो टाइम इंटरवल सेम ही है। यहां का भी 1 2 का टाइम इंटरवल है, यहां भी 1 2 का टाइम इंटरवल है, यहां भी 1 2 2 का टाइम इंटरवल है, यहां भी क्या 1 2 का टाइम इंटरवल है। ओके, तो हमने टाइम क्या लिया है? टो लिया है। ओके, अब सिंपली हम समझते हैं कि ये क्या है। अब देखो हम पे हम हमारे यहां फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे? एस इज इक्वल टू वी नॉट पी प्लस वन ऑफ ए टी स्क्वेयर। क्या हमारा टाइम यहाँ पे वो क्या है? टो है। क्या है हमारा? टो। ओके, और जो हमारी वेलोसिटी है क्या है हमारी वेलोसिटी? ओके, जो हमारी वेलोसिटी है वो हम समझ लेते हैं क्या है हमारी
टेक्नोलॉजी क्या जीरो है, मैंने क्या कहा था यहां से हम क्या यहां से हम छोड़ रहे हैं, क्या करें यहां से हम छोड़ रहे हैं। ओके यहां से क्या करें पार्टिकल को छोड़ रहे, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जीरो। अब देखो एक इसमें आ रहा है, अब समझ सकते हो एक इसमें अकेले लोग मौसम किसमें क्या किस एक्सेलरेशन है ग्रेट एक्सेलरेशन में, तो हमारा ये हो जाएगा क्या होगा माइनस जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ये माइनस जी हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है एच वन फाइंड करना है, क्या करना है एच वन फाइंड, तो एच वन हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू एस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एस वन। मीन्स के सिंपल समझ ले कि जो हमारा एच फॉर डिस्प्लेसमेंट है कितना एच फॉर डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो जाएगा एस वन होगा, क्या होगा एस वन। ओके अब देखो ये हमारा सेकंड है डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम एस टू बोल सकते हैं, और ये हमारा यहाँ पर कैसा है एस थ्री बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं एस थ्री। ओके तो हमें एच वन हाइट चाहिए, तो एच वन हाइट किसके बराबर इक्वल है एस वन के इक्वल है ना, हमें एच वन हाइट चाहिए तो एच वन हाइट किसके इक्वल है एस वन के इक्वल है, एस वन हमारा क्या आ जाएगा एच वन, उसको हम क्या लेंगे मोड में लेंगे, किसके लेंगे मोड में, क्योंकि मोड में लेंगे तो ए हमारे क्या है डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस, हमें इतना डिस्टेंस फाइंड करना है, और जो ये हमारा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट है, हमें क्या चाहिए हाइट चाहिए, क्या चाहिए हाइट, हमें कोई इसके पॉजिटिव या नेगेटिव साइन में नहीं चाहिए, पर हमें क्या हाइट होती है हाइट हमेशा किसी होती है पॉजिटिव में होती है। हाइट को क्या बोलते हैं कि भाई मैं आप किसी की हाइट हम बोलते हैं, किसी को हम बोलते हैं आपकी माइनस टू हाइट है, ऐसा तो हम नहीं बोलते, हम माइनस टू इसकी माइनस टू हाइट है ऐसा तो हम भी बोलते ही नहीं, इसलिए हमको क्या चाहिए हमको हाइट चाहिए, हाइट चाहिए हाइट मान लिया हमको मोड मिलेगी, इसलिए क्या हमको एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी, इसलिए हम क्या करें एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या लेंगे एच वन लेंगे। अब देखो एस टू है, क्या है हमारा एस टू, अब देखो एस टू था एस टू इसका हमको क्या करना है मतलब एच वन आएगा वो क्या आएगा एस वन आएगा, हमें एच टू फाइंड करना है, क्या करना है हमें एच टू फाइंड करना है, क्या करना है एच टू, तो हमें इतना डिस्टेंस फाइंड करना है ना, इतना डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम देख एच टू ए है हमारा एच वन ए है हमारा, क्या एच टू ए है एच वन ए है हमारा, तो एच टू माइनस एच वन करेंगे तो हमें क्या बोलेगा एच टू मिल जाएगा, हमें क्या इतना डिस्टेंस चाहिए, कितना डिस्टेंस चाहिए इतना डिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करें एच टू माइनस एच वन करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा जो ये पूरा इतना है एच टू। ओके और एस वन इतना है, हमें क्या चाहिए एच टू चाहिए, तो एच टू इतना है एस टू इतना है एस वन इतना है, तो एच टू हम क्या कर सकते फाइंड कर सकते हैं एस टू माइनस एस वन से एच वन मिल जाएगा, तो हम सिंपल फाइंड करेंगे कि भाई एस टू माइनस एस वन। अब देखो एच थ्री हमें क्या फाइंड करना है एच ए हाइट फाइंड करनी है, तो हमारी टोटल हाइट कितनी है यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा एस थ्री है, कितना है एस थ्री। अब एस थ्री में हमें एस टू मीन्स के एस टू माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एस थ्री हाइट आ जाएगी। ओके और सभी लोगों को क्या लेना है बोर्ड में लेना है, देखो ये हमारी ए टू हाइट है हमारी एच वन हाइट है। ओके और यहां तक की हाइट हमारी कितनी है, ओके यहां तक हाइट हमारी क्या एस थ्री है। ओके तो यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या एस थ्री, डिस्प्लेसमेंट तो यहां से पार्टिकल छोड़ेगी उसका डिस्प्लेसमेंट तो क्या रहेगा कंटिन्यू रहेगा, तो हम पहले एस वन डिस्प्लेसमेंट लेंगे फिर एस टू डिस्प्लेसमेंट लेंगे फिर एस थ्री डिस्प्लेसमेंट लेंगे, फिर इन सभी से हम क्या हाइट फाइंड करेंगे एस वन हाइट एस टू हाइट और एस थ्री हाइट। ओके तो देखो एस वन हाइट हो एस टू हाइट हो एस थ्री हाइट हो एस टू माइनस एस वन करेंगे तो एस टू मिलेगा और एस थ्री माइनस एच टू करेगा तो एच थ्री मिलेगा, एच वन और एस वन क्या है हमारा सेम है। अब देखो एस वन फाइंड करना है, क्या करना है फाइंड करना है एस वन फाइंड करना है, एस वन फाइंड करना है हमारी क्या हमारी एस वन फाइंड करना है, सिचुएशन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपल है इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो, हमारा ये तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब देखो वाई क्या बनेगा माइनस वन वन अपॉन टू एटी स्क्वेयर बचेगा, क्या बचेगा वन अपॉन टू एटी स्क्वेयर, अब एक ही जगह पर हम क्या रखेंगे माइनस जी रखेंगे तो क्या आएगा वन हाफ जी। अब देखो टी की जगह पे हमने टो इक्वल टू क्या लिया है यहाँ पे टी इक्वल क्या लिया वन लिया है, टी इक्वल क्या लिया हमने वन लिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा टो का सॉरी वन नहीं लिया है टी इक्वल टू क्या लिया टो लिया है, टी इक्वल टू टी इक्वल टू टो लिया है, तो टी की जगह पे हम क्या रखना पड़ेगा टो। अब देखो एस टू लेते हैं, क्या लेते हैं एस टू,
एस टू फाइंड करने के लिए तो एस टू में से यहाँ तक पहुंचने के लिए यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना टाइम लगा? टू टो टाइम लगा। कितना लगा? टू टो। तो क्या करेंगे? माइनस वाला जी तो यहाँ पे क्या है? टू टो टाइम लगा ना, टाइम क्या हुआ? टू टो। टी की टी स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे? टू टो रखेंगे। तो क्या आएगा? फोर टो का स्क्वायर। ओके, और एस थ्री हमारा क्या आएगा? माइनस जी और टी की मीन एस थ्री मीन जब एस थ्री डिस्प्लेसमेंट करा तो हमारा टाइम क्या हो रहा है? थ्री टो। तो क्या हो रहा है? थ्री टो का स्क्वायर। टाइम क्या है हमारा? स्क्वायर में। तो मैं क्या करें? थ्री टो का स्क्वायर करें तो नाइन टो स्क्वायर आ जाएगा। नाइन टो का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो, अब हमारा एच वन ए और इसके बराबर है एस वन। तो हमारा एच वन ए और इसके बराबर इक्वल है हमारा जो एच वन है क्या फाइंड करना है? एच वन फाइंड करना है, एस वन फाइंड करना है। और सिंपल समझते हैं, जो हमारा एच वन है वो किसके इक्वल है? एस वन के इक्वल है। तो हमारा एस वन क्या आ रहा है? वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू जी टो स्क्वायर एच वन। अब इसको हम किस इसको हम क्या ले लेते हैं? मोड में ले लेते हैं। हमारा एच वन क्या आ जाएगा कि वन अपॉन टी जी टो स्क्वायर। तो हमारा एक एच वन आई टू कैसे आई टू एच वन आई टू। हमारी एच टू आई टू है वो क्या आती है? एच टू माइनस एच वन। हमारा एच टू कितना है? वन माइनस वन अपॉन टू जी को स्क्वेयर। ओके, और माइनस क्या आता है हमारा? माइनस हमारे क्या आता है? एस वन आता है। क्या आता है? माइनस वन अपॉन सॉरी यहां पे फोर टू का स्क्वेयर आएगा। फोर टू का स्क्वेयर माइनस वन अपॉन टू जी को स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पे फोर टाइम है क्या है हमारे यहाँ पे? देखो तो यहाँ पे कितना है? फोर टाइम है। क्या है? फोर टाइम है। सिंपल इस तरह लिख सकते हैं, फोर में आगे ले लू तो हमारा जो वन हाफ है उसको वन हाफ को मैं ऐसे का ऐसे ही लेने दू। ओके, जो हमारा वन हाफ है वन हाफ को मैं कैसा लेना दू? ऐसे का ऐसा ही। तो क्या आ जाएगा? वन हाफ ओके फोर माइनस वन हाफ फोर जी टू का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा हमारा जो टू है। ओके, देखो यहाँ पे फोर टाइम टू आ रहा है, यहाँ पे कितना है? एक ही टाइम इसके है। एक पूरी वैल्यू देखो तो एक पूरी वैल्यू है फोर टाइम है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या माइनस है तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वन अपॉन टू क्या आ जाएगा? वन अपॉन टू माइनस क्या आ जाएगा? थ्री थ्री जी टो स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ? एच टू हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे? मोड में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? सेम आंसर क्या आएगा हमारा? सिंपल आंसर। इसको हमने क्या कर देगा? मोड में बना देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? माइनस माइनस निकल जाएगा और क्या आ जाएगा? थ्री जेड टो स्क्वायर। क्या आ जाएगा? थ्री जेड टो स्क्वायर। ओके, थ्री जेड टो स्क्वायर। अब देखो हमारा एच वन एच टू देखो ये हमारा H3 आ गया। H3 में देखते हैं तो H3 का इक्वेशन क्या है? H3 में देखो तो H3 क्या था हमारा कि माइनस वन अपॉन माइनस H3 हमारा क्या था? H3 माइनस H1। तो देखो H3 की वैल्यू क्या थी? माइनस वन अपॉन टू जी सॉरी नाइन जी तो का स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू क्या आता था हमारा जी था। और यहाँ पे क्या आता था? सॉरी एस टू की वैल्यू हमारी क्या है? एस टू की वैल्यू हमारी क्या है? वन अपॉन फोर सॉरी फोर जी टो स्क्वायर। ओके देखो तो माइनस वन अपॉन टू जी मीन इसमें से देखो ये फोर टाइम हो गया कितना? नाइन टाइम। फोर टाइम में से नाइन टाइम, नाइन टाइम में से फोर टाइम जाएगा इसका क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस कैसे हो जाएगा? प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस ना हमारा तो एस टू क्या था? माइनस था। माइनस माइनस कैसे हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हमारे क्या आ जाएगा? माइनस वन अपॉन टू फाइव
तो फिर ये हमारा क्या हुआ H3 हुआ, इसमें मोड में देखो मोड में कैसा आएगा, आंसर सिंपल है कि भाई 1.25 G तो स्क्वायर। ओके देखो हमारा H1 है हमारा क्या 1.2 G तो स्क्वायर आ रहा है, हमारा H2 है क्या 1.23 G तो स्क्वायर आ रहा है, हमारा जो H3 है ये क्या है 1.25 G तो स्क्वायर। तो H1 F2 और H3 नीचे देखो सभी में देखो तो ये हमारा G और तो सभी में H1 H2 और H3 सभी में देखो 1.2 G तो स्क्वायर सेम है, 1.2 G क्या पावर चेंज हो रहा है यहाँ पे 1 time है, यहाँ पे 3 time और यहाँ पे क्या है 5 time है। तो हमारा H1 नीचे हमारा जो आंसर आएगा वो इससे हम प्रूव कर सकते हैं बाय इक्वेशन 1, 2 and इक्वेशन 3। ओके तो इक्वेशन 1, 2 and 3 इक्वेशन 1, 2 and 3 से हम कह सकते हैं ओके बाय इक्वेशन 1 and 2 and 3 बाय इक्वेशन 1, 2 and 3 H1 जेम H2 जेम एंड H3 जेम इक्वल क्या आ गया 1 जेम 3 जेम 5 जेम। तो इससे हमारे क्या आ गया गैलीलियो जो ऑड नंबर वाला प्रूव होता है। तो इक्वेशन नंबर 1 में कितना है 1 टाइम है ये, इसको 2 टाइम हो गया है 3 टाइम है। ओके तो इन सभी का हम रेशियो निकालेंगे H1 H2 H1 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50 H51 H52 H53 H54 H55 H56 H57 H58 H59 H60 H61 H62 H63 H64 H65 H66 H67 H68 H69 H70 H71 H72 H73 H74 H75 H76 H77 H78 H79 H80 H81 H82 H83 H84 H85 H86 H87 H88 H89 H90 H91 H92 H93 H94 H95 H96 H97 H98 H99 H100 H101 H102 H102 H103 H104 H105 H106 H107 H108 H109 H110 H111 H112 H113 H114 H115 H116 H117 H118 H119 H120 H121 H122 H123 H124 H125 H126
आपकी नीट में एक नीट की एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये सिंपल पूछा है कि जब टाइम इंटरवल के साथ सेम हो, कैसा हो टाइम इंटरवल, को क्या बोला है? टाइम इंटरवल सेम सेम एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या हो? जीरो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा हो? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तब फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड में, फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड में, सेकंड में ऑब्जेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट इसका, उसका जो रेशियो आता है वो रेशियो क्या होता है? सेकंड पर फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड पे डिस्टेंस का रेशियो को फाइंड करना है। क्या करना है? डिस्टेंस का रेशियो फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड डिस्टेंस रेशियो। तो क्या बोला है? जब टाइम इंटरवल के साथ सेम हो, इनिशियल वेलोसिटी कैसी हो? जीरो। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा हो तो फोर्थ और फिफ्थ सेकंड कम हो, क्या करना है? फाइंड करना है हमको फोर्थ और फिफ्थ सेकंड कम, क्या करना है? क्या बोलते हैं उसको, हमको रेशियो फाइंड करना है, डिस्टेंस का रेशियो फाइंड करना है। तो क्या हमको करना है? सिंपल समझ ले कि देखो जब टी इज इक्वल टू, इसके हम इसे समझ सकते हैं, सिंपल समझ ले कि
हमको कुछ नहीं करना है, ड्रॉइंग ड्रॉ करेंगे, फिर हमको क्या जो हमको एच वन एच टू का जो रेशियो आ रहा है वही रेशियो को फाइंड करना है। डिस्टेंस का रेशियो कुछ क्या होता है, हाइट का रेशियो क्या होता है, हाइट का रेशियो हाइट मीन्स क्या होगी डिस्टेंस हो गया, हाइट मीन्स क्या हुआ डिस्टेंस हो गया, क्या करना है हाइट का रेशियो को फाइंड करना है। एच वन एच टू यहाँ पे बन गया, एच फाइव क्या आएगा हमारा एच फोर और एच फाइव है, तो यहाँ पे टी जी रूप है किसके टाइम पे बोला है हमको कहाँ पे फाइंड करना है टी जी को टू फोर्थ और फिफ्थ सेकंड पे फाइंड करना है, कैसा टी जी को टू फोर्थ और फिफ्थ सेकंड पे फाइंड करना है। तो देखो सिंपल है, यहाँ पे हम देखो टी जी को टू जीरो सेकंड है और टी जी सेकंड को वन सेकंड है, तो हमारी हाइट कितनी होती है एच वन होती है, कितनी होती है एच वन, और टी जी को टू टू सेकंड पे कितनी हो जाती है हाइट हमारी एच टू, टी जीरो टू थ्री सेकंड आती है तब हमारी हाइट कितनी हो जाती है एच थ्री हो जाती है, टी जीरो टू फोर सेकंड आती है कितनी सेकंड आती है तब हमारी हाइट कितनी हो जाती है एच फोर, और टी जीरो टू फाइव सेकंड होती क्या आती है फाइव सेकंड, तब हमारी हाइट कितनी होती है एच फाइव। और देखो यहाँ पे देखो कि टाइम इंटरवल के साथ सेम है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कैसा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्या है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, और ये सभी कंडीशन किसकी फॉलो किसको फॉलो करती है, ये सभी कंडीशन गैलीलियो के लॉ को फॉलो करती है। तो हम सिंपल समझ सकते हैं कि इसका आंसर जो इसका आंसर है किसका आता है ओड नंबर में आता होगा ना, तो देखो यहां पे 1 3 5 7 और 9 ये है, तो जो हमारा हाइट का जो इसके जो हाइट का इसके जो फोर्थ और फिफ्थ सेकंड में जो रेशियो है हाइट का डिस्टेंस का फाइंड द डिस्टेंस रेशियो, तो जो हमारा डिस्टेंस का जो रेशियो है तो सिंपल समझ में आ सकता है कैसा आ सकता है कि भाई देखो हमारे यहाँ पे आया फोर्थ सेकंड हाइट कितनी होगी एच फोर होगी, क्या होगी एच फोर, और फिफ्थ सेकंड हाइट कितनी होगी हाइट कितनी होगी हाइट एच फाइव होगी, क्या होगी एच फाइव, क्या फोर्थ सेकंड में हाइट कितनी होगी एच फोर होगी, मतलब फिफ्थ सेकंड में हाइट कितनी होगी एच फाइव होगी। अब देखो हम यहाँ पे क्या गैलीलियो लॉ ऑफ इसके गैलीलियो का लॉ ऑफ हम इसके लॉ ऑड नंबर यूज कर सकते हैं, तो एच इक्वल टू फोर होगा तब उसकी हाइट का रेशियो कितना होगा सेवन होगा, और यहाँ पे क्या आएगा नाइन, क्योंकि सिंपल है कि जब फोर्थ और फाइव सेकंड होगी तब हाइट का रेशियो क्या होगा सेवन जेम नाइन होगा, कितना होगा सेवन जेम नाइन, क्या फोर्थ और फोर्थ सेकंड फोर्थ और फिफ्थ सेकंड पे हाइट का जो रेशियो होगा तो क्या होगा होगा क्या होगा ओके तो वो क्या होगा सेवन और नाइन होगा। तो इस तरह हम गैलीलियो का यूज कर सकते हैं, और उसका मैंने बोला है कि हम कहीं भी एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए कांस्टेंट सेम होना चाहिए, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, और टाइम इंटरवल कैसा होना चाहिए सेम हो जाएंगे, तो गैलीलियो के लॉ से हमेशा एग्जाम्पल हम सोल्व कर सकते हैं। इतना याद रखनेगा कि जो हमको हाइट का रेशियो मिलता है किसमें मिलता है ओड नंबर में मिलता है, और अभी हमने प्रूव भी किया कि हमारी एच वन इसकी हमारी एच वन आई थी तो क्या था वन था, एच टू आई टू तो हमारा टू था, और एच थ्री आई थी तो हमारे क्या हुआ थ्री हुआ। अभी हमने अगले इसके जस्ट इसके पहले हमने जो प्रूव किया होगा उसमें थोड़ी राइटिंग बिगड़ी हुई है, पर आप एक बार शांति से देख लेना और एक बार यहाँ से देख के फिर अपनी बुक में देख लेना तो आपको आइडिया आ जाएगा वो मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आपको कैलकुलेशन भी करना आ जाएगा, उसमें कोई हार्ड नहीं है। और यहाँ से हमारा क्या होता है गैलीलियो लॉ और नंबर हमारे यहाँ क्या होता है फिनिश होता है।